तो हेलो दोस्तों, तो अभी हम आ चुके हैं येट अनदर ब्लॉग में। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक और ब्लॉग बन रहा है, सो देखते रहिए आगे क्या होगा। और ये डेली ब्लॉग है तो देखते रहिए, रोज बनेगा ब्लॉग एंड डेली ब्लॉग #1। क्या हो गया? तो हेलो दोस्तों, तो अभी आप देख सकते हो, देख नहीं सकते, मतलब हम जा रहे हैं। आज ओपनिंग है चाचा के कैंटीन की, सो हम दोनों जा रहे हैं और भाई गाड़ी चला रहे हैं और अभी हम पहुंचने वाले हैं। मतलब आप तब तक रास्ता देखिए और उतने में ऐसे पहुंच जाएंगे। बाय। तो अभी आप सामने देख सकते हो, ये जो दुकान के अंदर बैठा है ये अपना खास मित्र है, ये भाई साहब। और भाई कैसा है? तो अभी हम पहुंच चुके हैं, अभी पहुंचे हैं, देख सकते हो आप। पंडो में जो कैंटीन है देख सकते हो आप, ये जो आर्मी का कुछ है यार, क्या है आर्मी, क्या ही बोलूं मैं अब यार, इतना बोले नहीं होता। तो अभी आप यहाँ नीचे कैंटीन है, देखते रहिए, बाकी मैं दिखाता हूँ आपको। तो अभी आप देख सकते हो बिजी आदमी। तो हम लेट हो चुके हैं, कोई सीन नहीं है, पर हम पहुंच चुके हैं टाइम पे और यहाँ पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। नमस्ते चाचा जी। तो अभी हो रहा है नेक्स्ट लेवल सा काम और बिजी हैं सुबह से। कितने बजे आए आप सुबह? हम 6 बजे आए हैं, आप लोग अभी तक नहीं आए भाई साहब। कोई नहीं, वो भाई साहब अभी गाड़ी लगा रहे हैं और आ ही रहे हैं, मतलब। तो अभी लगे हुए हैं सब काम पे और चाचा सुबह से आए हैं 6 बजे के और चाचा ने बहुत काम कर लिया और हम आ रहे हैं अभी 9 बजे। तो चाचा के ऊपर बहुत बर्डन था तो हमने थोड़ा काम हमने सोचा कि हम अब कर लेते हैं यार, भाई सुबह हम लेट हो गए। सो अभी देख सकते हो अभी भी चाचा काम ही कर रहे हैं, पर लेकिन अभी कर्नल आने वाले हैं तब उनके लिए ये रेडी होना चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि कर्नल आएंगे तो वही रिबन काटेंगे कैंटीन की। और जो भी स्टाफ मेंबर थे उनको हमने बोल दिया कि आप हमारी पार्टी में ज्वाइन हो जाओ, और जो कस्टमर आए थे वो भी, उनको भी हमने ज्वाइन कर लिया अपनी पार्टी में। और आप देख ही सकते हो बहुत कस्टमर्स हो गए थे सामने, तो देखते रहिए आप। तो अभी आ चुके हैं कर्नल और वो बाहर खड़के बता रहे हैं कैंटीन के बारे में सबको, जो भी कस्टमर आए हैं और जो स्टाफ मेंबर्स हैं, और वो स्पीच भी दे रहे हैं थोड़ी सी, क्योंकि कर्नल हैं भाई, स्पीच तो देंगे ही। और
नेक्स्ट लेवल इनका स्पीच देने का तरीका है, तो आप देख ही सकते हो सब बहुत अच्छे से सुन रहे हैं इनको। और मैंने कैमरा साइड में रख लिया और मैं भी देखने चले गया था क्या बोल रहे हैं। सो देखते रहिए और आगे हम अभी ये रिबन काटेंगे और फिर उसके बाद। तो अभी कर्नल जी ने कहा था कि मैं इस बार रिबन नहीं काटूंगा, जो कि ये हैं, ये यहाँ के कोई एसपी या कुछ हैं, इन्होंने कहा कि आप इस बार रिबन काटोगे और मैं इस बार चीफ गेस्ट बन जाता हूँ। ऐसे इन्होंने सब कुछ पूछा कि ये क्या है, ये वो क्या है और इस कैंटीन में क्या क्या होगा। और आप देख ही सकते हो इंस्पेक्शन हो रही है। छोटा मोटा आप जो है जैसे आमलेट ब्रेड भी या बनाना किसी को चाहिए ऑन डिमांड वगैरह आपने बाहर डिस्प्ले की हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, थैंक यू। रेडी फॉर बर्स्ट टू इलेक्ट्रिक बूबलू। You see the truth behind the veil, and you know that they're just looking for attention. और भाई साहब कैसे हो आप? ठीक है सर। बना दिया सब कुछ? हाँ सर, सब कुछ बना दिया, हो गए फ्री। मेरा भी फोटो निकालना? हाँ निकल रहा, अच्छा। वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे, यूट्यूब पे। हाँ हे गाइस, तो अभी हम निकल चुके हैं, कहाँ निकल चुके हैं पता नहीं कहाँ पे, पर लेकिन अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है और अभी हम निकल चुके हैं। मौसम सुहाना हो चुका है, देख सकते हो मौसम नेक्स्ट लेवल हो चुका है और बैंड बज चुकी है और क्या बोलें। और ये है और हम हैं और कुछ नहीं है। अभी हम जा रहे हैं चाची को लाने और मम्मी को लाने। यो देखते रहिए। अभी प्रांजल यहाँ पे दिखाओ मेरे को। तो अभी आप देख सकते हो अभी आ चुके हैं, चाची भी साथ में आ चुके, मम्मी का वेट कर रहे हैं हम। और कैसे हो आप सब? आज बहुत दिनों के बाद हम फिर से इकट्ठे हो गए। तो आपको पता है इकट्ठे होते तो क्या क्या होता। तो अभी मम्मी आ रहे हैं और फिर उनका वेट हो रहा है और हम जा रहे हैं और थोड़ा आते हैं फिर आपको फिर से दिखाते हैं।
देखो मेरे दो कान है। तो बोलो कौन हो आप? कौन हो? तो अभी प्रांजल भी आ चुके हैं हमारे साथ और हम हो चुके हैं। तो अभी आ चुके हैं मम्मी और चाची जी। इनको चाची और मम्मी ने बिल्कुल भी नहीं देखी थी ये, जो कि बन चुका है पूरे अच्छे तरीके से। और आपको कैसा लग रहा है? मतलब अभी तक एक बार भी नहीं देखा था आपने? अच्छा लगा। वाह चलो ओके। आपको कैसा लगता है प्रांजल? हाँ ठीक है ठीक है। हाँ फोन दे दूंगा आपको और बस